हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का टू तो द पॉइंट के इकोनॉमिक के सेशंस में आज के इस वीडियो में हम एक ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे कि दरअसल भारत सरकार भारत सरकार नहीं गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए एक इकोनॉमी एक में उसके बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तो आइए शुरू करते हैं इंडिया एम्बरेज एंड एकोनॉमिक ऑफकोर्स हम इसे इंडिया को मद्देनजर रखते हुए बनाएंगे तो स्पेसिफिकली हमारा गोल जो है या फिर हमारा मौजू इम्पोर्टेंटली इंडिया ही होगा India embraced an economic model which has the features of both free market capitalism and socialism. हालांकि हमने एक सोशलिस्टिक पैटर्न अडॉप्ट तो किया हुआ था लेकिन जैसे जैसा समय बीतता गया हमें पता चला कि इट इज मिक्सड इकोनॉमिक मॉडल विच इज नेसरी जहां पर प्राइवेट कॉम्पिटिशन भी है सरकार भी जो है वहां पर एक कंपिटीटर की तरह काम कर रहा है सरकार का रोल जो है वो सिर्फ रेगुलेटर रेगुलेटर की, की तरह होना चाहिए मार्केट डिसाइडर की तरह नहीं तो हम मार्केट कैपिटलिज्म को भी फॉलो करते हैं सोशलिज्म को भी फॉलो करते हैं द पॉलिसी मेकर्स मेकर दिस मॉडल मिक्सड इकोनॉमी तो सबसे पहली बार 1930s में कीनीस जॉन कीनीस ने ये आइडिया दिया हुआ था कि लेट देर बी बोथ द सेक्टर्स दैट इज पब्लिक एंड प्राइवेट प्राइवेट वालों को कम्पीट करने दें जहाँ कहीं पर भी कंपटीशन हद से ज्यादा हो रहा है सरकार को वहां पर आना चाहिए अननेसेसरली सरकार को हर चीज में बाधा नहीं डालनी चाहिए देर इज नो इड फॉर गवर्नमेंट टू बी इन ईच एंड एवरी बिजनेस

जहाँ पर सोसाइटी से रिलेटेड लोगों से रिलेटेड उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ से रिलेटेड जो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सेक्टर्स से हैं जैसे कि पब्लिक हेल्थ हो गया एजुकेशन हो गया इक्विटेबल इंस्टीट्यूशन हो गया यूनिवर्सिटीज़ जैसा वगैरह अनएम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स ओल्ड एज पेंशन इन सभी जगहों पर हम मान सकते हैं कि सरकार का होना बहुत ही जरूरी है लेकिन प्राइवेट जहाँ कहीं पर भी कॉमर्स uh, हो इंडस्ट्रीज हो प्रोडक्शन हो मैन्यूफैक्चर्स हो वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉम्पिटिशन का होना बहुत ही ज़रूरी है इन टूडेज चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ हाई टेक्नोलॉजी द गवर्नमेंट मस्ट डू अ लॉट ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखिए इस वीडियो का मौजू है कि एक आउटलुक आपको बताया जाए कि सरकार को करना करना क्या चाहिए तो जैसे कि हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा होना चाहिए वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी लाने में होना चाहिए

कैपिटल जिसे हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल अच्छा खासा बनाइएगा स्किल डेवलपमेंट दीजिएगा उन्हें एजुकेशन दीजिएगा सो दैट फर्दर कॉरपोरेट वर्ल्ड या फिर जो प्राइवेट सेक्टर है वो उन्हें सही तौर पर सही यूटिलाइज कर सके सो दिस इज वॉट द रोल विच हैज बीन कंसीव्ड फॉर द गवर्नमेंट ऑन द एक्सटर्नल फ्रंट अभी जो हमने देखा वो इंटरनल फ्रंट में था इंडिया में विद इन इंडिया में एंड ऑन द एक्सटर्नल फ्रंट द गवर्नमेंट मस्ट एम्ब्रेस ग्लोबलाइजेशन हमने कई बार इसके बारे में देखा बिकम लोकल टू ग्लोबल ओपननेस टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बट विद रिस्क शेयरिंग अप्रोच जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बाहर गांव के आते हैं अब्रॉड के आते हैं उन्हें आप आश्वासन दीजिएगा कि इंडिया में पैसा रखिए अगर थोड़ा बहुत लॉस वगैरह भी आएगा हम आपको सपोर्ट करेंगे उन्हें आश्वासन दीजिएगा उन जो रिस्क वो ले रहे हैं आप भी थोड़ा बहुत उसमें भाग लीजिएगा the government should share the risk arising out of globalization by training and skilling those who have suffered from the negative impact of globalization of course badi badi jab missionaries wagera aate hain to kai manpower jo hai labor jo hai apna job kho dete hain lekin adequate skill provide karne se अब जैसे कि मिशनरी है लेकिन उसे चलाने के लिए भी तो आदमी चाहिए तो आप उन मिशन ह्यूमन कैपिटल को जो है स्किल और ट्रेन कर सकते हैं द प्रोसेस ऑफ रिस्क शेयरिंग विल मेक ग्लोबलाइजेशन एक्सेप्टेबल टू ऑल दिस इज वन सच रीजन why यू फाइंड कि जब भारत सरकार किसी एम uh, को किसी uh, बड़े इन्वेस्टर को सपोर्ट देती है तो ज़्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमें इंडिया में भी देखने को मिलेगा अडॉप्टिंग द above features विल allow इंडिया टू अचीव हाई ग्रोथ along with हाई सोशल ambitions और इंडिकेटर्स चाहे वो ग्लोबल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग्स हो या फिर वर्ल्ड बैंक या आई जैसे इंस्टीट्यूशंस जो कोई भी पैरामीटर्स रखते हैं लोन वगैरह देने के लिए तो यहाँ पर बहुत ही हेल्प होगी इंडिया की एंड फाइनली व्हाट आर द थ्री मेजर ब्रॉड फंक्शंस विच अ गवर्नमेंट शुड अंडरटेक सबसे पहला अलोकेशन फंक्शंस कि कहाँ पर क्या होगा किस तरीके से होगा अलोकेशन फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन किसे किसे क्या क्या मिलेगा और कितना मिलेगा स्टेबिलाइजेशन फंक्शन जब कभी भी हाथ से मामला दूर जा रहा है जब कभी भी लग रहा है कि स्टेबिलिटी खो रही है दिस इज़ वन सच प्लेस वेयर यू कैन फाइंड द गर्मेंट टू कम एंड गवर्नमेंट शुड कम बाकी के जगह जितने भी है लेट देर बी कॉम्पिटिशन लेट देर बी द मार्केट कैपिटलिस्ट टू वर्क ऑन देर तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी गवर्नमेंट रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी के बारे में थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो